गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, आज हम आपका फर्स्ट टॉपिक चैप्टर एनपीओ का वर्किंग ऑफ इनकम या वर्किंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक है आपका वर्किंग ऑफ इनकम, ऐसा कह सकते हैं वर्किंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। मैंने बताया था आपसे इसको कि क्वेश्चन में रिसीव पेमेंट आपको गिवन होता है, रिसीव और पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में आपको गिवन होता है। रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट से हमें क्वेश्चन के अंदर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दो अकाउंट ड्रॉ करने होते हैं। तो रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट की कौन सी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरह शो की जाती है, इस बारे में आपको डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन में रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको इनकम, जिसे आप कहते हैं सब्सक्रिप्शन गिवन है, इस सब्सक्रिप्शन का कितना पार्ट, कौन सा पार्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो किया जाएगा, यह हम आज आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करें वर्किंग ऑफ इनकम और उसे वर्किंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। देखते हैं फर्स्ट टॉपिक वर्किंग ऑफ इनकम। वर्किंग ऑफ इनकम और उनसे सब्सक्रिप्शन, क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। यहां क्वेश्चन में दे रखा है हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ईयर एंडिंग 31 मार्च 21। रिसीप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट, यहां क्वेश्चन में दे रखा है टू सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन में रिसीव पेमेंट अकाउंट गिवन है, इसमें आपको 31 मार्च 2021 को रिसीव अमाउंट पेमेंट और यहां पर क्वेश्चन में देखें सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 20 ये दे रखिए क्वेश्चन में 4000, 31 मार्च 21 1,86,000, 31 मार्च 22 6,000। इसका मतलब यह है कि जो सब्सक्रिप्शन आपको 12 महीने में मिली है वो मिली आपको 1,96,000, जिसमें 4,000 पिछले बार के थे जो इस बार मिले हैं,
वॉलेंटियर्स इस बार के, इस बार ही मिलेंगे, और 6,000 अगले बार के, इस बार मिले, टोटल मिलाकर पैसा मिला आपको 1,96,000। अब नीचे क्वेश्चन पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये बता देयर आर टू हैव 200 मेंबर ईच पेड एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 1,000। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव टिल एंड ऑफ 31 मार्च 2020 5,000। Find the amount of subscription which show in क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। इस रिसीव पेमेंट अकाउंट में से हमें यह बताना है कि कितना पैसा हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो है वो शो करेंगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट आएगी ये हमें क्वेश्चन में शुरू में बताना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन 2 में निकला हाइड होगा आपका। सॉल्यूशन है इसका। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम रिसीव एंड पेमेंट, टोटल पैसा मिला हमें 1,96,000। 196 में से 4,000 प्रीवियस ईयर के हैं और 6,000 रुपया नेक्स्ट ईयर के। 196 में से जो 4,000 रुपये है वो आपके प्रीवियस ईयर के हैं और 6,000 रुपये आपके नेक्स्ट ईयर के। फॉर्मूले के हिसाब से माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वो पैसा होता है जो कि हमारा प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था। दैट मींस वो पैसा जो हमें 31 मार्च 20 तक नहीं मिला उसको हम कहते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और 31 मार्च 20 तक जो हमारा आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है यहां तो दिखाई देते 4,000 लेकिन नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड टिल एंड ऑफ 31 मार्च 2020 5,000। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 4 नहीं है, लास्ट ईयर जो हमारा आउटस्टैंडिंग है वो हमारा 5,000 रुपए है। उस 5,000 में से 4,000 इस साल में मिल चुके हैं और 1,000 ऐसे हैं जो है तो लास्ट ईयर के और हमारे अब भी आउटस्टैंडिंग। तो प्लस क्लोजिंग
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो पैसा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 21 में जो पैसा हमें नहीं मिला वो कहलाएगा हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इसके दो हिस्से होते हैं, एक प्रीवियस और एक करंट। मींस वो पैसा जो पिछले साल का लेकिन अब तक नहीं मिला। प्रीवियस का मतलब होता वो पैसा जो है तो पिछले साल का लेकिन हमारा अब तक आउटस्टैंडिंग। तो उन्होंने क्या बताया, पिछले बार आउटस्टैंडिंग हमारा 5,000 रुपये था, 5,000 में से 4,000 रुपये हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, 1,000 जो पिछले साल के हैं वो हमारे अब भी मिलने वाले हैं। मीन्स क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में 1,000 आपके अब भी बाकी है, मीन्स क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। फिर करंट ईयर का क्वेश्चन में लिखा था देर आर 200 मेंबर ईच पेड एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 1,000, 200 मेंबर है हर मेंबर 1,000 रुपये देगा। मीन्स इससे क्वेश्चन मल्टी होगी, मल्टी होगी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। हर मेंबर 1,000 रुपये देगा, टू बी रिसीव इन करंट, जो पैसा करंट ईयर में मिलना चाहिए। 200 मेंबर है हर मेंबर 1,000 रुपये देगा तो कितने पैसे मिलने चाहिए, हमें मिलने चाहिए 2,00,000, कितने मिलने चाहिए 2,00,000। जबकि जो हमें एक्चुअली रिसीव हुआ करंट ईयर के अंदर वो रिसीव हुआ 1,86,000, मीन्स 40,000 इस ईयर के हमारे अब भी आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग है 40, और 14 ओवर ये हो गया आपके 15 मार्क्स, ये माइनस के हैं ये प्लस के। फॉर्मूले में नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लस ओपनिंग प्री रिसीट सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग प्री रिसीट जो करेंट ईयर का पैसा है लेकिन आपको प्रीवियस ईयर के अंदर मिल गया, मीन्स जो पैसा हमारा है तो 31 मार्च 21 का लेकिन हमें जो रिसीव हुआ वो 31 मार्च 20 में हुआ। ऐसी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, माइनस क्लोजिंग प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन, ये वो पैसा है जो है तो करंट ईयर का, सॉरी है तो नेक्स्ट ईयर का लेकिन आपको करंट ईयर के अंदर मिल गया। मीन्स जो अमाउंट है तो नेक्स्ट ईयर यानी 31 मार्च 22 लेकिन ये पैसा जो आपको रिसीव हुआ करंट ईयर 31 मार्च 21 में, मीन्स नेक्स्ट ईयर का पैसा करंट ईयर रिसीव हुआ। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी 6,000 अगले साल के हैं इस साल, ये अमाउंट क्वेश्चन में प्लस है, ये अमाउंट क्वेश्चन में माइनस है। में 5,000 माइनस है, 15,000 प्लस है, ये मिल है, ये 6,000 माइनस है। अब हम चेक कर लो 6, 5, 11 माइनस के 15 प्लस के आगे प्लस के 4,000, अब 4,000 का अमाउंट आ गया हमारी ये 2,00,000। ये 2,00,000 तो दो अमाउंट है जो क्वेश्चन में इनकम और एक्सपेंडिचर अमाउंट के अंदर शो। मीन्स हमसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि कितना पैसा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 196 नहीं जाएंगे, हमारे 196 में से
प्लस माइनस की जो अमाउंट है वो आई हमारे 2 लाख अरे 2 लाख रुपए हमारे इन्वेस्टमेंट रिसर्च अकाउंट के अंदर शो किए जाएंगे। आई रिपीट अगेन यू क्वेश्चन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आया था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वो पैसा है जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है 5 लाख, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वो पैसा है जो करंट ईयर में आखिर में आपका आउटस्टैंडिंग है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इसमें 200 होते हैं 300 करंट, 1000 पिछले साल के अभी बाकी है, 14000 इस साल तक की बाकी है, टोटल आउटस्टैंडिंग होगा आपका 15,000 रुपीज। फिर ओपनिंग प्री रिसीव, ये वो पैसा है जो है तो करंट ईयर का लेकिन रिसीव प्रीवियस ईयर के अंदर हो गया था, मीन्स करंट ईयर 31 मार्च 21 का पैसा है लेकिन मिल गया आपको 31 मार्च 20 के अंदर, ऐसी क्वेश्चन को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। फिर ओपनिंग क्लोजिंग प्री रिसीव, ये वो पैसा है जो है तो करंट ईयर का लेकिन मिल गया था आप सॉरी जो है तो नेक्स्ट ईयर का लेकिन मिल गया आपको करंट ईयर में, मीन्स 31 मार्च 22 का पैसा है 31 मार्च 21 में मिल गया, ये क्वेश्चन अमाउंट दे रखी है आपकी 6000, ये क्वेश्चन आ गया आपके 6000, सॉल्व करने का अमाउंट आ गया वाली 2 लाख। इस अमाउंट को आप चेक भी कर सकते हो, चेक कैसे कर सकते हो, मैंने आपसे बताया था कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हमारा वो पैसा आता है जो आपका करंट ईयर की रिवेन्यू इनकम है। आई रिपीट अगेन, मैंने बताया था जो आपकी करंट ईयर की रिवेन्यू इनकम है, चाहे वो पैसा रिसीव हुआ हो चाहे वो पैसा रिसीव ना हुआ हो, करंट ईयर की रिवेन्यू इनकम आपकी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो की जाती है आइदर इट्स रिसीव और नॉट। तो ये 200 मेंबर है, हर मेंबर 1000 रुपीज दे रहा है, तो 200 मेंबर हर मेंबर 1000 रुपीज दे रहा है तो 2 लाख रुपए करंट ईयर के होंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा 2 लाख रुपए आएगा क्योंकि करंट ईयर की रिवेन्यू इनकम जो है हमारी वो 2 लाख रुपए आइदर इट्स रिसीव और नॉट। तो क्वेश्चन अमाउंट आंसर आए कितना आएगा, जितनी अमाउंट इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी वही पैसा हमारे क्वेश्चन के आंसर में। ओके, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हम आपको कल कराएंगे, कल क्वेश्चन आपकी बुक से कराएंगे। ओके।